सुप्रभात बापूजी। हाँ सुप्रभात जेठिया, सुप्रभात। आज गार्डन से आने में थोड़ा लेट हो गया नहीं बाबूजी? हाँ वो कसरत करने के बाद दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाने बैठ गया। अच्छा अच्छा, सुबह सुबह जल्दी उठ के आया कर गार्डन। बाबूजी मैं आपके दोस्तों के साथ किस विषय पे गप्पे लड़ाऊं? बबूचक, मैं गप्पे लड़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कसरत करने आया कर ऐसा बोल रहा हूँ। ओ नहीं नहीं, आऊंगा किसी दिन। ए! नए साल के दिन अपने घर पे साल मुबारक करने नहीं बुला रहा हूँ, आऊंगा किसी दिन भाई। बाबूजी आप बैठे ना, मैं सूरत दादा को जल अर्पण करके आपके लिए मसाला चाय बना देता हूँ। तूने चाय पी ली? नहीं नहीं, आपकी राह देख रहा था। तो आपके लिए चाय बना देता हूँ ऐसा क्यों बोला? सॉरी, हम दोनों के लिए चाय बना देता हूँ। मेरी पूजा अभी बाकी है। तो आप नहा के पूजा कर लीजिए, तब तक मैं भी सूरत दादा को जल अर्पण कर देता हूँ। पूजा नहा के ही होती है जेठिया, नहा के पूजा कर लीजिए भाई। ओम मित्राय नमः, रवये नमः, सूर्याय नमः, भानवे नमः, खगाय नमः, पूष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, मरीचय नमः, आदित्याय नमः, सवित्रे नमः, वरकाय नमः, भास्कराय नमः, आदि देव नमस्तुभ्यं, प्रसिद्ध भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। अरे गुड मॉर्निंग भिड़े। अरे गुड मॉर्निंग जेठालाल, आज क्या सुविचार लिख डाला? अभी तक लिख डाला नहीं है, लिख डालने वाला हूँ। अरे पर बोर्ड पे लिख डालेला तो है। अरे रे रे, काय भाषा। अरे ये कल का सुविचार है जेठालाल। ओ कल का सुविचार आज ही लिख डाला एडवांस में? अरे ये कल का मतलब कल का नहीं, कल का सुविचार, कल कलला कलला भाई कलला। तो अभी आज क्या सुविचार लिखने वाला है? आज मैं एक्चुअली सुविचार नहीं, समाचार लिखने वाला हूँ। समाचार? क्यों साइड में पत्रकारी तत्व चालू केला काय? पत्रकारी तत्व ऐसा शब्द ही नहीं होता जेठालाल, पत्रकारित्व ऐसा शब्द होता है। वो बीच वाला त है ना, वो साइलेंट होता है। वो बीच वाला त है ना, वो बोलने का नहीं और लिखने का तो बिल्कुल भी नहीं, समझ ला? हाँ समझ ला समझ ला। पर समाचार क्यों लिख रहे है भाई, आज अखबार तो आया है। नहीं, नहीं समाचार मतलब ऐसे तीन चार समाचार नहीं लिखने वाला हूँ, दरअसल मैं एक सूचना लिखने वाला हूँ। अच्छा क्या? यही के आज दूध नहीं आने वाला, दूध वालों की स्ट्राइक है। अरे भाई ये तो पता है, अब्दुल ने कल सबको बताया ना, ये अभी लिख के क्या फायदा? ये उन लोगों के लिए लिखने वाला हूँ जो बताने के बाद भी भूल जाते हैं। कहीं तुम तो नहीं भूल गए ना? अगर भूल भी गए तो चिंता नहीं है, तुम और चाचा जी आ जाना घर पे, साथ में चाय पियेंगे। थैंक यू बिड़े, लेकिन मैं भूला नहीं हूँ, कल अब्दुल ने बताया था दूध मंगा लिया। क्योंकि क्या है बापूजी को सुबह सुबह अगर चाय नहीं मिलती है ना, तो फिर पूरा दिन मेरा बिगड़ता है। चाचा जी को चाय नहीं मिलती तो तुम्हारा दिन खराब जाता है? हाँ, क्या बापूजी फिर पूरा दिन चिड़चिड़े रहते हैं ना, और उनके डांट खाने के लिए फिर मैं ही होता हूँ। तो भी आज की चाय दे दी ना उनको? नहीं नहीं अभी पिलानी है। तुमने चाय पी ली? नहीं, मैं नोटिस लेके घर पे जाके पीऊंगा। अच्छा अच्छा, चल चाय। हाय बाय। हाँ भाई, बाय बाय। अरे दूध की पतीली कहाँ गई? अरे बाप रे, कल रात से ये दूध की पतीली बाहर ही पड़े लिए, तो अंदर का दूध जिंदा हो गया या? अरे बाप रे, ये दूध तो फट गया, रात भर ये पतीली बाहर कैसे रह गई?
बापूजी क्या कर रहे? दूध गर्म करने की प्रक्रिया कर रहा हूँ। अरे बापूजी आप रहने दीजिए, मैं करता हूँ। नहीं नहीं मैं करता हूँ बापूजी, प्लीज मैं करता हूँ ना, आप रहने दीजिए। ठीक है, और सुन दूध गर्म करके फ्रिज में रख देना, बाहर पड़ा रहा तो सुबह तक बिगड़ जाएगा। कल दूध की हड़ताल है, पूरा दिन बिना चाय के रहना पड़ेगा। नहीं नहीं आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए बापूजी, मैं दूध गर्म करके फ्रिज में रखने के बाद ही सोने जाऊंगा। ठीक है चल, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि। हाँ बोलिए ना था काका। बापूजी अब भी सोने गए? किसका नंबर? धनजी काका का नंबर तो मेरे पास नहीं होगा, बापूजी की डायरी में होगा, मैं उसमें से निकल के आपको देता हूँ। हाँ अरे नहीं नहीं उसमें तपलीक की क्या बात है, नहीं नहीं मैं देता हूँ अभी आपको। ओके ओके हाँ। अभी ये दूध से तो चाय बनेगी नहीं, और बिना चाय के देखा ना बापूजी की पतेली कैसी तपेली है। नहीं नहीं कुछ भी करके बापूजी को चाय तो पिलानी ही पड़ेगी, अरे पर दूध कहाँ से लाऊं? भीड़े भीड़े से दूध का वाट की व्यवहार करना ही पड़ेगा। वाह सेठ जी वाह, नट्टू काका ये क्या तरीका है। वेलकम सेठ जी, वेलकम टू गडा इलेक्ट्रॉनिक्स। गडा इलेक्ट्रॉनिक्स, डाउनलोड एंड प्ले नाउ, अवेलेबल ऑन प्ले स्टोर एंड ऐप स्टोर।